मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में कल महाराष्ट्र के सीएम पद की शपथ लेंगे देवेंद्र फडणवीस। शाम 4:26 पर होगा शपथ ग्रहण। सूत्रों के मुताबिक फडणवीस के साथ 6 मंत्री ले सकते हैं शपथ। एकनाथ खड़से, विनोद तावड़े, पंकजा मुंडे, सुधीर मोहटीवार, विष्णु सवारा, सुधाकर भालेराव और भाई गिरकर के नामों की चर्चा। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शपथ ग्रहण का भव्य इंतजाम। शपथ से पहले मराठी बाना के नाम से होगा 2 घंटे का सांस्कृतिक कार्यक्रम। भव्य होगा फडणवीस का शपथ ग्रहण समारोह। करीब 30,000 मेहमानों को भेजा गया न्योता। पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। मुख्य मंच पर करीब 200 लोगों के बैठने का इंतजाम होगा। स्टेडियम में एलईडी के जरिए मेहमान देख पाएंगे शपथ की तस्वीरें। महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होगी शिवसेना। उद्धव ठाकरे ने शिवसेना नेताओं को दिए निर्देश। शिवसेना सांसद विनायक राउत ने कहा, जहां हमारी इज्जत नहीं वहां जाकर क्या करना। मेंटेन हो रहा है तो उस समारोह में क्यों जाने का, ऐसा सवाल सारे विधायक के मन में तैयार हुआ और इसलिए सब लोगों ने सोचा। शपथ से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मिले फडणवीस। शपथ ग्रहण में आने का दिया न्योता। देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में नितिन गडकरी से मिले। मुख्यमंत्री की शपथ लेने से पहले आशीर्वाद लिया। शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जाएंगे राज ठाकरे, फडणवीस ने फोन कर दिया था न्योता। बीजेपी के शाही समारोह पर कांग्रेस को ऐतराज। कांग्रेस ने कहा, 100 करोड़ की फिजूल खर्ची कर रही है बीजेपी। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने पूछा, कौन उठा रहा है समारोह का खर्चा। बीजेपी ने लगाया था खजाना खाली होने का आरोप। वानखेड़े स्टेडियम की मैनेजिंग कमेटी के सदस्य नदीम मेमन की ने भी जताई आपत्ति। कहा, 100 लोगों की मांगी गई थी परमिशन, अब 30,000 लोगों के आने की खबर है। नदीम ने कहा, बीजेपी को फ्री में दिया स्टेडियम, 15 लाख रुपए है एक दिन का चार्ज। बीजेपी ने अटल बिहारी वाजपेयी के सपने को किया साकार। समंदर में उतारे कमल के कटआउट। 80 के दशक में वाजपेयी ने कहा था, समंदर में खिलेगा कमल। देवेंद्र फडणवीस को लेकर शिवसेना की बदली राय। कहा, युवा नेता, सरकार चलाने की है काबिलियत। तारीफ करने जैसे नेता है, एक तो बहुत क्लीन इमेज के नेता है, विदर्भ से आए हुए नेता है, उनके पास अच्छा विजन है, यंग है, होनहार है, काम करने की उनके पास शक्ति है। मोदी से मिले मनोहर पारकर। महाराष्ट्र और गोवा समेत कई मुद्दे पर चर्चा हुई। मुंबई के कल्याण में टला ट्रेन हादसा। अमरावती एक्सप्रेस इंजन समेत पटरी से उतरी। एक बार फिर कम हो सकते हैं डीजल और पेट्रोल के दाम। 2 रुपए प्रति लीटर कम हो सकते हैं। मोदी सरकार बनने के बाद 6ठी बार पेट्रोल के दाम में कमी हो रही है। दूसरी बार कम होंगे डीजल के दाम। शेयर बाजार ने बनाया ऊंचाई का रिकॉर्ड। अब तक के सबसे ऊंचे स्तर 27,346 पर बंद हुआ सेंसेक्स। सोने में गिरावट जारी है। 375 रुपए गिरकर 26,580 प्रति 10 ग्राम हुआ सोने का भाव। अभिनेता ऋषि कपूर लीलावती अस्पताल में भर्ती, डेंगू और मलेरिया बुखार ने पकड़ा। नमस्कार, आज तक मैं आप सभी के साथ मैं हूं शैली सैनी। मुंबई की कुछ और अहम खबरों पर नजर डालते हैं। मोदी सरकार ने सभी सरकारी अधिकारियों को फरमान जारी कर दिया है कि वो ना तो फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करें और ना ही किसी 5 सितारा होटल में मीटिंग करें। लेकिन महाराष्ट्र में कांग्रेस ने नई बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण में हो रहे खर्च पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शपथ ग्रहण की भव्यता पर कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने सवाल उठाते हुए कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने
सीएम चुना है कोई राजा नहीं, जिसकी ताजपोशी पर करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाया जा रहा है। वानखेड़े स्टेडियम सच के तैयार हो रहा है क्रिकेट के चौके छक्कों के लिए नहीं, बल्कि सियासत में लगे उस शानदार शतक के लिए जिसने बीजेपी को महाराष्ट्र की राजनीति का नंबर वन पार्टी बना दिया और देवेंद्र फडणवीस को सूबे का सीएम। कल शाम 4 बजे के बाद फडणवीस अपने मंत्रियों के साथ शपथ लेंगे। सेंटर पॉइंट पर्सपेक्टिव से हिसाब से एक बहुत ही बड़ा, इतने मंच के लिए 150 फुट बाय 30 फुट का LED लगाया जा रहा है और महाराष्ट्र की सबसे खूबी वाले अलग 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 जो मॉन्यूमेंट्स है वो उस LED के माध्यम से लोगों के सामने लिए जाएंगे। जिस मराठी अस्मिता को उभार कर शिवसेना ने महाराष्ट्र की राजनीति में जगह बनाई थी, उस पर बीजेपी अपना सर्वाधिकार सुरक्षित करने में जुट गई है। इसीलिए वानखेड़े स्टेडियम में शिवाजी की यादें होंगी तो महाराष्ट्र के तमाम प्रतीक भी। करीब 30,000 समर्थकों और प्रशंसकों के बीच फडणवीस की ताजपोशी की तैयारी चल रही है। इस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है, बीजेपी जवाब दे रही है। शपथ लेने का एक जनतांत्रिक तरीका होता है, ऐसा लग रहा है सरकार शपथ नहीं ले रही है, किसी राजा का राज्याभिषेक हो रहा है और अंततः हम जनतंत्र में हैं और ये गरीब लोगों का देश है, गरीब लोगों की सरकार बनाई गई है तथाकथित तौर पर, और ऐसे गरीब लोगों की सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में मेरा ऐसा अंदाज है कि कम से कम 100 करोड़ रुपए लुटाए जा रहे हैं। कांग्रेस की ये नौबत आ गई है जहां वो बेबुनियाद आरोप करते जाएं। मैं सिर्फ एक विनंती करूंगी कि पहले संजय निरुपम जी को गणित के क्लासेस पे भेजिए ताकि उनको पता चले कि 100 करोड़ कितना होता है। इस भव्य समारोह के लिए अतिथियों की लंबी चौड़ी फेहरिस्त है। खुद फडणवीस ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी से मिलकर शपथ ग्रहण समारोह में आने का न्योता दिया। इस समारोह के नायक फडणवीस हैं। इन्होंने अपनी ताजपोशी के लिए नागपुर के अपने पसंदीदा टेलर से 5-5 मोदी जैकेट बनवाए हैं। 20 साल से देवेंद्र जी मेरे पास कपड़े सिला रहे हैं और मेरे बनाए हुए जैकेट्स जो मोदी जैकेट्स है ये 2 साल से मोदी जी की वजह से चलन में आए हैं और ये जैकेट वो जब सीएम पद लेंगे तो देवेंद्र जी पहनेंगे, ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। तो इंतजार कीजिए और देखिए कि फडणवीस के साथ और कौन कौन मंत्री शपथ लेते हैं। नागपुर में कौशल पांडे और मुंबई में अमृता शेडके के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली आज तक। महाराष्ट्र में अब इतिहास बन चुकी बीजेपी और शिवसेना की महायुति ने कांग्रेस मुक्त महाराष्ट्र का नारा दिया था। ये सपना तो कल पूरा हो ही रहा है, लेकिन इस सपने को साथ साथ देखने वाले ही अलग हो चुके हैं। शिवसेना का कहना है कि बीजेपी के व्यवहार ने उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है, इसलिए शिवसेना कल फडणवीस की शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होगी। शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का सपना पूरा होगा। अरब सागर में बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल खिलेगा। वानखेड़े स्टेडियम में शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की तर्ज पर देवेंद्र फडणवीस शपथ लेंगे, लेकिन बीजेपी की 25 साल पुरानी सहयोगी शिवसेना इसमें शामिल होना तो दूर, भगवा गठबंधन के लिए आए इस ऐतिहासिक मौके पर शायद मौजूद भी नहीं होगी। मेंशन हो रहा है तो उस समारोह में क्यों जाने का, ऐसा सवाल सारे विधायक के मन में तैयार हुआ और इसलिए सब लोगों ने सोचा। अपमान का सवाल नहीं, एक अवमान करने की जो जिस तरह से बात हुई। शिवसेना को गुरुवार को बीजेपी को समर्थन देने पर फैसला करना था, इसके लिए मीटिंग भी रखी गई थी जिसे एन वक्त पर कैंसिल कर दिया गया। बुधवार को भी मातोश्री में उद्धव ठाकरे के साथ शिवसेना के वरिष्ठ नेताओं ने इसी मुद्दे पर माथापच्ची की थी, लेकिन 2 दिन बाद भी कोई फैसला नहीं हो सका। पर उम्मीद की कुछ किरण अब भी बाकी है। शुक्रवार को शाम करीब 4 बजे फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शिवसेना को उम्मीद है कि उसके विपक्ष में बैठने की नौबत नहीं आएगी। अभी टाइम है, निर्णय लेने के लिए टाइम है, लेकिन आप कल नहीं जा रहे। कोई नियोजित बैठक थी? हालांकि बीजेपी की तरफ से शिवसेना को कल मंत्रिमंडल में शामिल करने का कोई इशारा नहीं मिला है। बिना शिवसेना को साथ लिए आगे बढ़ने का ये भरोसा बीजेपी में NCP की तरफ से बिना शर्त समर्थन के प्रस्ताव से आया है। बहुमत साबित करने के दौरान अगर अपने कहे अनुसार NCP के विधायक सदन में अनुपस्थित रहेंगे तो 288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में मैजिक फिगर होगा 123, जिसे निर्दलियों की मदद से साबित करना 121 विधायकों वाली बीजेपी के लिए बिल्कुल कठिन नहीं होगा।
मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। कल महाराष्ट्र की पहली बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई कैबिनेट मंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उद्योगपति, फिल्म और खेल जगत की जानी मानी हस्तियां मौजूद रहेंगे। शपथ ग्रहण समारोह शाम 4:26 पर शुरू होगा और इस समारोह में 2 घंटे का मराठी सांस्कृतिक कार्यक्रम मराठी बाना भी होगा। वानखेड़े स्टेडियम में शुक्रवार को रचा जाने वाला इतिहास सियासी होगा। महाराष्ट्र में बीजेपी की अपने दम पर पहली सरकार वानखेड़े स्टेडियम में शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नितिन गडकरी को शपथ ग्रहण में शामिल होने का न्योता देने देवेंद्र फडणवीस आज खुद दिल्ली में मौजूद थे। वैसे फडणवीस ने शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, एमएनएस चीफ राज ठाकरे, पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार को खुद फोन करके न्योता दिया, लेकिन राज ठाकरे समारोह में नहीं पहुंच रहे हैं और उद्धव ठाकरे के पहुंचने की संभावना भी ना के बराबर है। शपथ ग्रहण समारोह में फिल्मी हस्तियों, कारोबारियों और पूर्व क्रिकेटरों को भी शामिल किया गया है। शपथ ग्रहण में लता मंगेशकर, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, आमिर खान, विवेक ओबेरॉय, अभिनेता और बीजेपी सांसद परेश रावल को न्योता दिया गया है। कारोबारियों में अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, राहुल बजाज, रतन टाटा, आनंद महिंद्रा को न्योता भेजा गया है। खेल जगत से सांसद सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, दिलीप वेंगसरकर, धनराज पिल्ले को बुलाया गया है। बीजेपी ने केंद्र की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी छोटी कैबिनेट बनाने का इरादा किया है। अभी जो तय है उसके मुताबिक मंत्री बनने की पहली लिस्ट में विनोद तावड़े, पंकजा मुंडे, सुधीर मुनगंटीवार, गिरीश महाजन, एकनाथ खड़से, विष्णु सवारा, कृष्णा खोपड़े और सुभाष देशमुख के नाम शामिल हो सकते हैं। मराठा राजनीति और नेताओं के दबदबे वाले राज्य महाराष्ट्र में फडणवीस दूसरे ब्राह्मण मुख्यमंत्री होंगे। इससे पहले शिवसेना के मनोहर जोशी ब्राह्मण मुख्यमंत्री बने थे। विदर्भ के लोग देवेंद्र फडणवीस से इलाके की तस्वीर बदलने की उम्मीद कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो।